हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पानी की मांग को लेकर रास्ता रोका। महानगर में कई क्षेत्रों में जलापूर्ति सुधारने के लिए बिछाई गई आधी अधूरी नई पाइपलाइन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इसके कई क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था सुधरने के बजाय पूरी तरह से ठप हो गई है। इससे इन क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा। कटला बाजार क्षेत्र में लोगों ने गुरुवार सुबह पानी की मांग को लेकर रास्ता रोक प्रदर्शन किया। कटला बाजार क्षेत्र के कुछ इलाकों के लोगों ने गुरुवार सुबह क्षेत्र में रास्ता जाम कर दिया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में मटकियां फोड़ अपना आक्रोश जताया। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि जलदाय विभाग ने व्यवस्था में सुधार करने के काम पर नई पाइपलाइन बिछाई, इस पाइपलाइन के काम को अधूरा छोड़ दिया गया। नई पाइपलाइन से कनेक्शन जोड़ा नहीं गया और पुरानी का कनेक्शन काट दिया गया। इस कारण जलापूर्ति 15 दिन से ठप पड़ी है। विभाग को कई बार अवगत कराने के बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। इस कारण मजबूरी में आज सड़क पर उतरना पड़ा। लोगों ने रास्ता जाम कर मांग की कि विभागीय अधिकारी यहां आकर स्वयं देखें कि किस तरह से काम किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंची और समझाइश की। तब तक शहर के व्यस्त कटला बाजार क्षेत्र में रास्ता बंद कर देने से लंबा जाम लग गया था। इससे शहर के अन्य संकरी रास्तों पर यातायात दबाव बढ़ गया। इस कारण वहां पर भी लंबे जाम में लोग फंसे हुए खड़े रहे। बता दें कि लंबे अरसे से शहर की पुरानी पाइपलाइनों को बदलने का काम चल रहा है। ठेकेदार ने कई स्थान पर नई लाइन बिछा दी, लेकिन उससे अभी तक कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है। वहीं इस स्थान पर सड़क खोदकर चले गए अधूरे पड़े कार्य को पूरा नहीं करने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।